तो हेलो पलक, नमस्कार एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग चैनल में, देवभूमि उत्तराखंड के इन हसीन पहाड़ियों से। और पहाड़ी पे पीछे भी धूप आई हुई है। पहाड़ों का अपडेट ऐसा है कि अभी मस्त वाली धूप आ रही है, मतलब सामने से हमारे घर की तरफ आ रही है। इस तरफ देखो कितना ब्लैक ब्लैक सा लग रहा है ना, जैसे कि ग्लास लग रहा है। और ये देख लो, यहाँ पे घर पे अभी धूप आने में बहुत समय है। आज मैं धनिया भी जम रहा है, अभी छोटा छोटा सा जम रहा है, बहुत ही छोटू छोटू सा। ये देखो, ये जो है ना, ये राई, जो पीली वाली सरसों होती है उसको हमारे वहाँ राई बोलते हैं। तो ये वो राई का पेड़ है, इसके फूल देखो। और ज़्यादा नहीं है, कोई कोई पेड़ है मतलब हमारे यूज़ के लिए हो जाते हैं, अदरवाइज जो छोटी वाली चिड़िया होती है ना वो सारा खा जाती है इनको। बबलू क्या हुई, क्या हुई, क्या हुई, चाय पीगा है? भालू भालू हूँ करियो, करना जोर से कर, हाँ ऐसे। इन दोनों की मस्तियां शुरू हो चुकी हैं। अरे मस्ती कर रहे हो, करो करो जोर से करो। आजकल तोता इतना ज्यादा तांडव मचा रहे ना, चा 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 वाली। ये देखो तोता का पूरा झुंड। ये जिस पेड़ में बैठते हैं ना उस पेड़ का तो सत्यानाश ही कर देते हैं। फिलहाल इधर ही को आ रहे हैं, इधर ही को आ रहे हैं। भाई कितने सारे देख रहे हो आप, ये बैठने वाले हैं, बैठने वाले हैं, बैठने वाले हैं, लेकिन नहीं बैठे अभी भी, अब ऊपर चक्कर मार रहे हैं। अब तो धूप भी आ गई है और ये हमारी छुटकुन को बाहर बांध दिया है और गौरी कृष्णा दोनों धूप सेक रहे हैं मस्त। हमारी की कैंची की दुकान में से दो कैंची यहाँ से गायब हैं, यानी कि पापा चले गए। इनमें अभी धार लगा दिया बढ़िया सी, तो चलो फिर आप चलते हैं। ओके मम्मी। अच्छा पानी बोतल, तुम क्या पुलम छाट रहा था? चलो फिर मलियो कर, फिर बना रहा था ना जब तुम लोग आते हो। ओके ओके चलो, तुम आया भाई, कल आए, कल बारी आएगी इसकी। अरे ब्लैकी तू आ रहा नीचे है, नहीं आ रहा? तो डब्बू हम लोगों से पहले ही चला गया है नीचे, देख लो। ये जो पेड़ अभी ऐसे दिख रहे हैं ना, ये कल और परसों में आप देखना, यानी कि एक दो दिन के ब्लॉक के बाद ये आएंगे और फिर देखना इनको कितना ज्यादा सुंदर लगते हैं। अभी तो बिल्कुल झाड़ियां जैसी हो रही है। यहाँ तो अभी धूप भी नहीं आ रखी है, अभी हम ये नीचे वाले में जा रहे हैं। अभी आप जैसे ये देख रहे हो ना, बिल्कुल भी खतरनाक ही हो रहा है ये वाला बेल्ट। और अभी थोड़ी देर में देखना कि ये कैसे लगते हैं पेड़, बिल्कुल गंजे गंजे जैसे। ये जो पेड़ था ना, ये कट्ठू आड़ू का पेड़ था, इसमें जो ग्राफ्टिंग करी थी उसका कल्ला ये है। और ये बढ़िया से ग्राफ्टिंग हो गई है इसकी, अब पन्नी निकालनी बाकी रह गई है। और साथ में ही एक पेड़ यहाँ पे भी था जिसमें मैंने दो तीन आंख लगाई थी, जिसमें से एक आंख लगी हुई है और दो भूस हो गए, भूस। जाए भोले। तो ये वाला जो बगीचा है ये अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे फिनिशिंग। अभी तो मैं फिलहाल मैं आ रखा हूँ, और अभी पापा जी अभी आ जाएंगे और फिर कन्नू। ये देख रहा हूँ, ओहरे को तो कुमार हरी हो, कुमार कुमार, तो ये कुमार ऐसे चिपक जाते हैं ना, बाय गॉड सरदर्द हो जाता है इनको निकालने में, कटारे बोलते हैं हमारे वहाँ इनको। पानी की बोतल लग दी है इधर धूप में, यानी कि ये थोड़ी देर में गर्म हो जाएगी, पीने लायक हो जाएगा। अभी ठंडा हो रहा है, पीने लायक बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और फिलहाल चलो काम शुरू करते हैं। ये वाले तो हो चुके हैं, अब सिर्फ एक ये रह गया और बाकी ये। और सूरज देवता देखो कितने प्रचंड रूप में रखे, आसमान बिल्कुल नीला नीला सा, कितना ज़्यादा सुंदर लगता है पहाड़ों में ना आसमान। और इसकी वैल्यू तो पता चलती है ना जब हम शहर से आ रहे होते हैं, जब शहर से आने के बाद यहाँ का आसमान देखते हैं तो एक अलग ही, मतलब इतना प्यारा सा सुकून देता है। छोटी चिड़िया ना आड़ू के पेड़ में बढ़िया सी जगह देख करके अपने लिए घोंसला बनाती है, और इतना सुंदर घोंसला बनाती है कुछ इस तरह से।
चलो भाई फिलहाल आ चुकी है चाय भी, और फिलहाल पानी पी लेते हैं पहले, फिर उसके बाद चाय और बिस्किट दोनों आ रखे, यानी कि रस आ रखे। तो मस्त जो दूध वाली चाय है वो तो मम्मी और पापा के लिए, जो ब्लैक टी यानी कि नींबू वाली चाय है और वो मेरे और कन्नू के लिए। तो अब हम लोग भी पियेंगे, थोड़ी देर एनर्जी आ जाती है बढ़िया सी, और फिर अच्छा ही लगता है काम करने में। गला भी खराब हो रहा है, गला ठीक करने के लिए भी तब जाके चाय आ रखी है हमारे लिए। तुलसी, अश्वगंधा, अदरक, मूसली, अदरक सुमन के लाग रहे से चाह चू कोई पीनी ये मती खराब हो गई सच्ची यार। तो भाई अभी फिलहाल एक बज चुके हैं और ये ऊपर वाला ये हम करके ला गए हैं। फिलहाल यहाँ पर हम पुलम की कटिंग कर रहे हैं, और कटिंग करते हुए ना हमें कुछ मिल गया है, और वो है ये, दिख नहीं रहा क्या, ये है। अब तोड़िए इसको, ये पूरा मिट्टी का है। और ऐसे घर ना अंगलार बनाते हैं, अंगलार मतलब जो बिसैले मधुमक्खी टाइप होती है ना वो। बाय गॉड देख लो, फिलहाल यहाँ पर लग रही है मस्त वाली धूप, और हम लोग आ चुके हैं आंवला खाने के लिए। और जिस पे ज्यादा हो रहा है उसको तोड़ना है यार, अकेला वाला क्यों तोड़ रहा है, जिस पे ज्यादा हो रहा है उसको तोड़। जैसे ये है तो आंवले के पेड़ के पास में, तो आंवला खाने का मन तो करेगा, और साथ में बहुत ही ज्यादा सुंदर हवा चल रही है अभी। तो गाइस फिलहाल दिन के 2:30 बज चुका है, और हम लोग घर गए थे खाना खाने के लिए, और ये कैंचो में ना दोबारा से धार लगा के लेके आए हैं ताकि इजीली काम हो जाए। हमारा टारगेट तो है आज इस खेत को कंप्लीट करने का। जो है ना ग्रोथ बहुत ज़्यादा हैवी ग्रोथ है, जिसकी वजह से कटिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही है। और फिलहाल उधर जो फूल हो रहे हैं यहाँ पर तक पाइप है, तो मैं टैंक से पाइप लगा देता हूँ एक, ताकि वहाँ आसानी से फूलों को पानी चला जाए। इसको यहीं पर रख देते हैं। तो फिलहाल मैं पानी लगा चुका हूँ, ये देखो यहाँ पर हल्का हल्का पानी आने लग गया है, क्योंकि वहाँ पर ना टैंक में पानी कम है, इसलिए ये बहुत बहुत कम आ रहा है। आई खींच आई, तो कन्नू वहाँ से पाइप खींच रहा है, और तू खींच से ले जा मैं बताऊँगा। बस बस बस, चलो फिर अब हम भी चलते हैं काम पर। और पानी जो धीरे धीरे चल रहा है ना, वो थोड़ा आसानी से मतलब थोड़ा थोड़ी थोड़ी देर में उसको इधर उधर कर देंगे पानी को। अदरवाइज़ क्या होता है ना, अगर तेज़ पानी चलेगा तो फिर हमारे खेतों में एक ही जगह पर रह जाता है पानी, तो फिर ऐसे ही हो जाता है। ये है तुम्हारा, यहाँ से यहाँ पे है एक बस ना मली नहन, ये इसको रख दो या ये जल या वही आ जाएगा। हो हो कर रख दो मली नहन, हो कर काट दियो हाथी पे, बस यहीं से उड़ा दो।
हमारा ये वाला जो खेत था ना वो कंप्लीट हो गया, बट आज ना अच्छी खासी वाट लगी हाथों की। कैंची दबाने का असली मजा तो आज आया, मतलब इतना प्रेशर पड़ा ना हाथों में सॉलिड वाले, क्योंकि ग्रोथ इतनी मोटी मोटी कलियों की है। यहाँ पे नीचे इतने मोटे मोटे कल्ले गिरे हुए हैं ना, ये देखो किस तरीके से इतने मोटे मोटे कल्लों को कैंची से या आरी से निकालने होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं ये वाले कल्ले। अब ये पूरे खेत में फैल गए, अब इसमें चलने लायक जैसा ऐसा कुछ हो नहीं रहा अच्छे से, और अब इनको बाद में समेटेंगे। और फिर यही लकड़ियाँ, ये वाली जो लकड़ियाँ, इनको हम छोटे छोटे काट करके रख देते हैं, हार लगा के मतलब इकट्ठा करके रख देते हैं, और फिर जा करके इनको जलाएंगे आराम से। तो गाइस अभी ना ठंडा हो गया पहाड़ों में, तो फिलहाल हमने हुड वगैरह डाल दिए। मेरी तो कमीज़ वैसे भी थोड़ा गर्म टाइप की है तो मैंने डाला नहीं था। अभी जैसे आप नीचे गधेरी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि घास लानी है, मम्मी वहाँ घा काटना है, तो हमको लीहूँ जान छू, तो हम लोग जानो घा लाना लीजिए और फिर मिल लूँ। और गजहर फना आने यार पट ठहरा बिल्कुल कॉपट बिल्कुल। और देख सकता यहाँ आई हूँ, पतेल झड़ना टाइम है, पतेल झड़ गई ठीक छो। और यह छो पहाड़ू बट, और ये काफल पेड़, ये काफल का पेड़ है, ये है नींबू का पेड़, इसमें नींबू नहीं आए हैं क्योंकि इसकी मेहनत अच्छी नहीं हुई है। अखरोट का पेड़ है, उसमें पतझड़ लग गया। और ये वाला जो बांस का पेड़ है ना, बहुत मोटा बांस का पेड़ है, और पता नहीं कितने साल पुराना है, कुछ आता पता नहीं है इसका। तो भैया जोड़ इज हेयर, और ये जोड़ मिल गया है, और मम्मी घास काटिंग कहाँ पता नहीं, कुछ होता पता नहीं है। मम्मी घास काटिंग हेयर देयर वहाँ, क्योंकि यहाँ पर घास की पुली रखी हुई है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मम्मा है वहाँ पर। अरे कुर्सी कहाँ है आज? कुर्सी में बहुत बैठ रहा, रात का नहीं लिखो दगड़ा। अरे यार कुर्सी को ही को मन लगा था। मम्मी है को है काटन जी? आज भाई आजा, चल छोड़ आ जा यार। अरे भूतों का देखो कतू जड़ हरो, तू ही लिखा ना रात कने, वहाँ नीचे बैठूंगा कबेर है। और ये चक्कर होगा इस, कुछ चिड़िया देती हुई बैकग्राउंड म्यूजिक। कहाँ गए रे बासो? अब पत्ते झड़ने का समय हो चुका है, तो पत्ते पीले पीले होने लग गए हैं, लाल और पीले, फिर इसके बाद ये गिर जाएंगे और नीचे काले हो जाएंगे, फिर धरती में समा जाएंगे। हो गाइस फिलहाल हम लोग लेके आ गए हैं, घास लेके आ गए हैं, लेकिन अब यहाँ पर बन रही अरबी, ये है पिनाऊ शाऊ, तो अब इनकी सब्जी बनेगी मस्त पहाड़ी स्टाइल में, ये देख लो। और वैसे इनको गडेरी भी बोलते हैं, बट गडेरी के आजू बाजू जो जितने वो शाखाएँ लगी रहती हैं ना, उनके सारे हाथ कह सकते हो, तो वो जो शाऊ होते हैं इनको ऐसे उबाला इसमें, और ये कॉपट है को झोल लागबीर। तो इसमें ये इसके जो छिलके होते हैं ये गाय के लिए बन जाएंगे, और ये अंदर का जो है इसका फर्स्ट क्लास हम बनाएंगे साग, और साग बनाएंगे बाजू। तो भैया गुटके, तो इनके बनेंगे आज गुटके मस्त मसालेदार, मतलब पहाड़ी स्टाइल में बनेगा सब चूल्हे में। तो